पंजाब फोकस की तरफ से राकेश चावला की आज की ताज़ा खबर। जलंधर महानगर में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद गला घोटकर हत्या कर दी गई। जांच के दौरान पता चला कि बच्ची को अगवा करने वाले 25 साल के संतोष नामक प्रवासी व्यक्ति ने उसका दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला घोटकर हत्या कर दी, जिसके बाद शव को गन्ने के खेतों में फेंक दिया। DSP आदमपुर ने बताया कि फरार आरोपी संतोष की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमें रेड कर रही हैं और मृतक बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। अंदर जिला देहात पुलिस के थाना पतारा के अधीन पड़ते गांव हजारा से लापता हुई 6 साल की बच्ची का शव आज दोपहर रामा मंडी हुशियारपुर रोड पर स्थित गांव जोहल बोलीना से गन्ने के खेतों में से बरामद हुई है। मौके पर पहुंचे DSP आदमपुर हरेंद्र सिंह मान और SHO पतारा रजपाल सिंह सिद्धू ने बच्ची के शव को अपने कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है।